नमस्कार दोस्तों, सीखे समझे आयुर्वेद की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, और हमारा जो भी वीडियोस है आप लोग को काफ़ी पसंद आ रहा है, इससे मुझे प्रेरणा मिल रही है और मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ। दोस्तों आज मैं बात करूँगा बवासीर के बारे में, बवासीर के घरेलू उपचार और साथ में बवासीर होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बवासीर होता क्या है। बवासीर मलाशय के आसपास की नसों की सूजन के कारण विकसित होता है। बवासीर दो प्रकार का होता है, एक तो खूनी बवासीर और एक बादी वाली बवासीर। अब खूनी बवासीर क्या होता है दोस्तों, इसमें खूनी सुर्खे होते हैं, तो आप शौच करते हो तो खून गिरता है। और जो बादी वाली बवासीर है उसमें मसे काले रंग के होते हैं, मसों में खाज, पीड़ा और सूजन काफ़ी होता है, जिससे आपको बहुत तकलीफ़ होता है। देर तक कुर्सी पर बैठना, बिना किसी शेड्यूल के कुछ भी खा लेना इसका प्रमुख कारण होता है दोस्तों। इतना ही नहीं, जब भी आप बैठेंगे तो आपको दर्द भी होगा, जिसके कारण बवासीर और उससे होने वाले दर्द से राहत नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होता है। अब इसके दोस्तों कैसे हम इसका निजात पा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर खूनी बवासीर है तो उसमें आप क्या करिए कि आप नींबू को बीच से काट कर उसके दो लगभग 4 से 5 ग्राम का कत्था पीस कर डाल दीजिए। इन दोनों टुकड़ों को रात में छत पर खुला रख दीजिए। सुबह उठकर नित्य क्रिया में निवृत्त होने के बाद इन दोनों टुकड़ों को चूस लीजिए। 5 दिन तक इसका प्रयोग कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सबसे बेहतर तरीका क्या होता है दोस्तों, करीब 2 लीटर का मट्ठा लेकर उसमें 50 ग्राम पिसा हुआ जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर मिला ले। पूरे दिन पानी की जगह यह मट्ठा ही पिए। 4-5 दिन तक लगातार इसका प्रयोग करें और आप देखेंगे कि मस्से काफ़ी ठीक हो गए हैं और इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी हो रहा है दोस्तों। बवासीर की समस्या होने पर आंवले के चूर्ण को सुबह शाम शहद के साथ लेने से भी जल्द ही फ़ायदा मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, 1 चाय का चम्मच धुले हुए काले तिल ताज़ा मक्खन के साथ लेने से बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों सुबह खाली पेट मूली का नियमित सेवन से भी बवासीर खत्म हो जाता है। बवासीर की समस्या होने पर तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे बवासीर जल्द से जल्द खत्म हो दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपकी कोई भी सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं, और आप कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आयुर्वेद के बारे में हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द वीडियोज़ बनाऊँगा। अंत में दोस्तों हमारा चैनल सीखे समझे अवश्य सब्सक्राइब करें, जहाँ पर मैं आपके लिए आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।